डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो टॉपिक है वो मलेशियन कॉन्स्टिट्यूशन पेज नंबर 290। तमाम स्टूडेंट्स निकाल लें। जी, ये पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट फॉर स्टेट्स इन सर्टेन केसेस, हम लोग इसको स्टडी कर रहे थे लास्ट लेक्चर में, और गालबन इसके हमने कुछ एक दो पॉइंट्स भी पढ़े थे, लेकिन इसको जो है वो कंप्लीट हम लोगों ने नहीं किया था। तो कल बात कर रहा था जी, वो किसी सर्टेन टाइम किसी मखसूस टाइम के ऊपर पार्लियामेंट के पास इख्तियार है कि वो स्टेट को स्टेट के लिए जो है वो लेजिस्लेट कानून साजी कर सकती है। स्पेशली उसने कुछ इंटरनेशनल पर्पस के हवाले से बात की थी, जिसमें बात कर रहे थे कल के इंटरनेशनल ट्रीटीज, एग्रीमेंट्स, कन्वेंशन, और ये जो कंट्रीज के आपस में इंटरनेशनल रिलेशन होते हैं और इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है इनके अगर आप मेंबर हैं, उस हवाले से जो है वो थोड़ी सी लेजिस्लेशन जो है वो कानून साजी हो सकती है या अमल दखल स्टेट के मैटर्स में दे सकता है पार्लियामेंट जो है। और दूसरा बात कर रहे थे कि स्टेट टू स्टेट रिलेशन बेहतर करने के लिए भी जो है वो पार्लियामेंट अपना किरदार अदा कर सकती है। इसका जो सेकंड पॉइंट है उसको पढ़ रहा हूँ, पेज नंबर 291 के ऊपर है। नो लॉ शैल बी मेड इन द पर्सन्स ऑफ पैराग्राफ ऑफ क्लॉज ए ऑफ क्लॉज 1 विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर्स ऑफ इस्लामिक लॉ और The custom of Malayas or to any matters of native law or custom in the states of Sabah and Sarawak. No bill for a law under the paragraph shall be introduced into either House of Parliament until the government of any state concerned has been consulted. जी, तो ये कह रहा है कि कोई ऐसा कानून, अभी जैसे हमने बात की थी किस किस मौके के ऊपर किस किस केसेस के ऊपर जो है वो पार्लियामेंट जो है वो इंटरफेयर कर सकती है, लेजिस्लेशन कर सकती है, लेजिस्लेटिव प्रोसेस में इन्वॉल्व हो सकती है। और अब वो कह रहा है कि जो स्पेशली इस्लामिक मैटर के हवाले से कोई ऐसा कानून नहीं बनाया जाएगा इस क्लॉज की आड़ में, ये जो क्लॉज अभी हमने डिस्कस किया कि इस क्लॉज के तहत इख्तियार है स्टेट को कि वो इंटरफेयर कर सकती है, तो उसमें क्लॉज 2 और 159(4)(b) की बात कर रहा था पीछे, तो उस क्लॉज को कह रहा है ये क्लॉज ए क्लॉज 1 को मद्देनजर रखते कहता है इस क्लॉज की आड़, इस शिको की आड़ में कोई ऐसा कानून नहीं बनाया जाएगा इस पैराग्राफ के पीछे, इस आर्टिकल के क्लॉज के पीछे आड़ में के, कि जिसके अंदर जो है वो स्पेशली इस्लामिक लॉज के हवाले से और कस्टम्स ऑफ मलाया का जो रस्म और रवाज है उनके हवाले से कोई चेंजिंग हो, और या एनी मैटर ऑफ नेटिव लॉ, नेटिव लॉ होता है लोकल बशिंदर होते हैं जो लोकल जो है उस लॉ के हवाले से बात करें, तो उस हवाले से वो कह रहा है कोई भी ऐसा लॉ या अगर कोई चीज स्पेशली इस्लामिक हवाले से कस्टम के हवाले से इस कानून की आड़ में जो है उसको चेंज नहीं किया जा सकता। स्पेशली सबा है सरावक की बात कर रहा है, जो दो स्टेट्स मैंने कहा था ये बुलाया कि कुआलालंपुर के साथ ये स्टेट्स जो है वो अटैच है, तो कहते हैं ये किसी भी स्टेट की जो गवर्नमेंट है उससे कंसर्न किए बगैर, उससे कंसल्ट किए बगैर, उसकी इजाज़त के बगैर स्पेशली इन चीज़ों के अंदर जो है आप तरबीब नहीं कर सकते, लेजिस्लेशन जो है वो नहीं कर सकते, कंसल्टेशन या उनकी परमिशन जो है वो लाजमी है स्टेट्स की जो गवर्नमेंट है उनके ऑफिशियल्स की, उनकी रजामंदी जरूरी है। ठीक है जी, फेडरेशन जो है उसके अंदर या पार्लियामेंट जो है वो उसको चेंज नहीं कर सकती। बेटा 3 पॉइंट छोड़ दें, फोर्थ पे आ जाए।
काटते थ्री को। मेरी कोशिश हो रही है जितना ज्यादा अनइम्पॉर्टेंट है या एक्स्ट्रा है उसको कटवाता जाऊँ ताकि आपके लिए एंड पे याद करने में सारी, क्योंकि सबको जब इकट्ठा हो जाएगा तो बहुत सारी चीजें मिक्स हो जाएगी तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है पढ़ने में। तो मेरी मैं जो थोड़ी सी भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है, मैं एक्स्ट्रा से मुराद के मुझे लगता है कि आप इतनी भी लिख देंगे तो मोर देन इनफ हो जाएगा, तो मैं फिर उसको एक्स्ट्रा वो कट करवा देता हूँ। साथ साथ उसको कट करते रहे, 3 पॉइंट छोड़ के बच्चे 4 पॉइंट पे आ जाए। अगर फिर भी किसी को इस पॉइंट के बारे में कोई जो पॉइंट में छोड़ रहा उसको डिस्कस करना चाहता है या उसको पढ़ना चाहता है तो मुझसे अलग भी वो पूछ सकते हैं, बस वो अकेले में उसको पढ़ा दूंगा उस पॉइंट को, ठीक है। अगर वो एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं कोई मसला नहीं, तब भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप उससे रابطہ कर सकते हैं। जी उसके बाद है जी आगे, पॉइंट नंबर 4, पार्लियामेंट मे फॉर द पर्पस ओनली फॉर इंश्योरिंग यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉ एंड पॉलिसी मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू लैंड टेन्योर द रिलेशन ऑफ लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट्स रजिस्ट्रेशन ऑफ टाइल्स एंड टाइटल्स एंड डीड्स रिलेटिंग टू लैंड ट्रांसफर ऑफ लैंड मॉर्टगेज लीज एंड चार्ज इन रिस्पेक्ट ऑफ लैंड easements and other rights and interests in land, compulsory acquisition of land, rating and valuation of land, local government and paragraph B1, clause 1 and clause 3 shall not apply by any rating to any such matter. अच्छा जी, अब ये बात कर रहे हैं जैसे अभी ऊपर हमने बात की कि कौन कौन सी चीजों को जो है वो स्टेट की परमिशन के बगैर नहीं कर सकता। इसी तरह वो कहता है पार्लियामेंट इस जो तमाम मेरे भी चीजें बोली में डिस्कस कर सकते हैं, इसमें इंटरफेरेंस कर सकते हैं जस्ट फॉर द इंश्योरिंग यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉ। यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉ से मुराद यहाँ पे इसका है कि यकसानियत के लिए एक ही असूल जाबते पाबंदियों को सेम करने के लिए, रूल्स रेगुलेशन को सेम बनाने के लिए जो है उसमें अमल दखल दे सकते हैं। स्पेशली किन किन हवाले से बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं कि ये जो आपका स्पेशली ये जो प्रॉपर्टी का सिस्टम है, ये लैंड लैंड लॉट टेनेंट होता है, किराएदार, रजिस्ट्रेशन ऑफ टाइटल्स एंड डीड, टाइटल्स एंड डीड से मुराद है यहाँ पे जो कानूनी आपके जो दस्तावेजात होते हैं उसकी मलकियत के हवाले से बात कर रहे हैं कि उनकी मलकियत के हवाले से, और आप जो है आप जब किराएदार बन के जाते हैं या आप मॉर्टगेजेस लेते हैं, मॉर्टगेजेस वैसे तो होता है गिरवी रखवा के आप अपनी कुछ चीज जो है वो प्लज करवा के आप उसकी जगह लोन लेते हैं, कुछ ऐसा करते हैं। और फिर इसके बाद आप ये लीज लिखा है, लीज से मुराद होता है कि आप गवर्नमेंट से या किसी लोकल प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से, वैसे तो नॉर्मली ज्यादातर गवर्नमेंट गवर्नमेंट से आप कोई लैंड कोई चीज परचेज करते हैं एक एग्रीमेंट के ऊपर, कि इस एग्रीमेंट के तहत 50 साल का, 30 साल का, 100 साल का वो एग्रीमेंट होता है, उसके तहत तो जब तक वो एग्रीमेंट है तब तक वो आपकी मलकियत में है। जब वो एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा तो वो प्रॉपर्टी, वो जगह आपकी मलकियत जो है वो नहीं रहती है, इसको कहते हैं लीज एग्रीमेंट, ठीक है। उसके बाद कह रहा है जी आपका स्पेशली द एक्विजिशन ऑफ लैंड, एक्विजिशन होता है कि हासिल करना, जब लैंड वगैरह तब देखते हैं लैंड माफिया के रूल्स रेगुलेशन क्या है, कोई आपकी कोई लैंड है उसको अपने नाम इंदराज कराने के हवाले से, लैंड परचेज और सेल करने के वाले से, तमाम लोगों के राइट्स क्या है, इंटरेस्ट क्या है, ये इस हवाले से तमाम जो डिस्कशन है उसको बेसिकली मकसद इसका है कि इक्वालिटी तमाम जगहों के ऊपर, तमाम रियासतों के अंदर, यानी कि जो स्टेट के जो इलाके हैं जो उनको उनके अंदर ये यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, इकसानियत होनी चाहिए इन कानून के ऊपर, इन कवानीन जो है ये कवानीन सेम होने चाहिए, किसी के लिए ज़्यादा या किसी को कम नहीं होने चाहिए। स्पेशली कहते हैं आगे वैल्यूएशन ऑफ लैंड लोकल गवर्नमेंट के हवाले से, ये तमाम चीजें। और कहता है आर्टिकल नॉट क्लॉज बी 1-3 शैल नॉट अप्लाई टू एनी लॉ रिलेटेड टू एनी सच मैटर, ये कहता है ये जो क्लॉज बी 3 शैल नॉट अप्लाई, ये अप्लाई नहीं होगी एनी रिलेटेड टू एनी सच मैटर, जो ये ऊपर हमने डिस्कस किए इस हवाले से, वो कहता है इनके ऊपर ये अप्लाई नहीं होगी, ठीक है, ये जो क्लॉजेज है ऊपर 1-3 वाली बी। आगे बच्चों ये नीचे जो है छोड़ दीजिए, पावर ऑफ पार्लियामेंट ये इसको स्किप कर दीजिए, पेज नंबर 293 के ऊपर आ जाए, पेज नंबर 293 चैप्टर नंबर 2 एंड है, 293 का एंड पेज है।
पेज नंबर 293, चैप्टर 2, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्जेक्टिव पावर्स, यहाँ से स्टार्ट करना है, वो पीछे बाकी जो है उसको कट कर दे। जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्जेक्टिव पावर्स, सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ दिस आर्टिकल द एग्जेक्टिव अथॉरिटी ऑफ द फेडरेशन एक्सटेंड्स टू ऑल मैटर्स विद रिस्पेक्ट टू विच पार्लियामेंट मे मेक लॉज एंड द एग्जेक्टिव अथॉरिटी ऑफ स्टेट टू ऑल मैटर्स विद रिस्पेक्ट टू विच द लेजिस्लेटर ऑफ दैट स्टेट मे मेक लॉज। अच्छा जी, आपको कह रहा है जी एग्जेक्टिव की क्या क्या पार्ट है, उस हवाले से वो बात कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्जेक्टिव पार्ट की। अगर थोड़ा सा मैं इसको वैसे इसको तर्जमा करूँ तो इसको सुनेगा, कह रहा है, कहता है इस आर्टिकल की जो बदरज है, जो सिक्के है, जो भी आर्टिकल हुआ जो ये बात की है, कहता है इसके तहत जो वफाक की जो एग्जेक्टिव अथॉरिटी है, इसके पास इसके तमाम मामला में जो है वो एग्जेक्टिव अथॉरिटी तमाम मामला की तस्दीक करता है। ठीक है, एग्जेक्टिव अथॉरिटी जो है वो क्या करता है, इन तमाम मामला की जो है वो तस्दीक करता है, जिसके बारे में जो पार्लियामेंट जो है वो कानून बनाती है। पार्लियामेंट देखिए कानून सारी करती है ना, इन तमाम मामला की जो है वो सॉरी स्टूडेंट्स जी, इन एग्जेक्टिव अथॉरिटी तमाम मामला की तौसी करता है जिसके बारे में पार्लियामेंट जो कानून बनाती है उस हवाले से, और रियासत की जो एग्जेक्टिव अथॉरिटी है इनके तमाम जो मामला है वो इसका एहतराम करती है जो पार्लियामेंट बनाती है, जिसके बारे में रियासत के जो मुकदरा कानून बनाए हुए हैं पार्लियामेंट ने उसका एहतराम करती है, और इसकी तौसी के लिए जो है वो एग्जेक्टिव अथॉरिटी जो है वो काम करती है, इसकी तौसी करती है जो कि पार्लियामेंट ने कानून बनाए होते हैं। ठीक है, देखिए आपने बात की पार्लियामेंट मेक्स द लॉस, पार्लियामेंट मेक्स द लॉ एंड देन एग्जीक्यूटिव बॉडी क्या करती है, टू एग्जीक्यूट दोज लॉज, टू सुपरवाइज दोज लॉज। तो तमाम जो मामलात है वफाक की जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है वो इन मामलात की तस्दीक करती है जो कि पार्लियामेंट ने बनाए होते हैं। ठीक है जी, ये बात कर रहे हैं इस पैराग्राफ पे, 293 पेज है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर्स के हवाले से बात कर रहे हैं, 293 पेज के ऊपर, चैप्टर 2, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्जेक्टिव पावर। बेटा जिनका डिस्कनेक्ट हो गया था दोबारा रिकनेक्ट किया है वो सुन ले। टू नाइनटी फोर पेज पे पढ़ रहा हूँ, The executive authority of the federation does not extend to any matter enumerated in the state list except in so far as is provided in Article 93 to 95, nor any matter enumerated in the concrete list except in so far as may be provided by the federal state law. As so far as the federal state law confers executive authority of the federation with respect to any matter enumerated in the concrete list, it may do so to the exclusion of executive authority of that state. जी अब वो बात कर रहा है कि जो एग्जेक्टिव अथॉरिटी, देखिए जो एग्जेक्टिव के पास जो अथॉरिटी है, जो उनके पास इख्तियारात है, उनके पास पावर्स है, वो बेसिकली अपनी इख्तियारात को उससे ज़्यादा नहीं इस्तेमाल कर सकते, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते जो कि आपकी कॉन्स्टिट्यूशन की जो कवानीन है उसके अंदर जो बयान किए गई है, जो क्लॉजेस उसमें एक्सप्लेन किए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग ही वो अपने इख्तियारात को, अपनी पार्स को जो है वो एग्जीक्यूट करवा सकता है, इस्तेमाल कर सकता है उसको, उससे बाहर जो है वो उससे एक्सटेंड जो है वो ज्यादा नहीं कर सकता। हाँ, कुछ मामलात है जिसमें स्टेट फेडरल जो स्टेट है उसको कुछ एक्स्ट्रा इख्तियारात प्रोवाइड करती है, तो उनमें वो क्लॉजेस भी डिस्कस कर रहे हैं, उसके अलावा जो है वो कहता है उसको उसके अंदर एक्सक्लूड करेंगे हम उन पार्ट्स के अलावा जो भी एन्यूमरेटेड स्टेट लिस्ट है कॉन्स्टिट्यूशन की, उसके मुताबिक जो है एग्जेक्टिव अपनी अथॉरिटी को, अपने पार्ट्स को इस्तेमाल करती है, प्रोवाइडेड बाय फेडरल स्टेट कुछ ऐसी
इख्तियारात है जो अता करती है एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को स्पेशल मैटर्स के हवाले से, जो कि आपको सब टाइप जो है वो एलिविएटेड जो लिस्ट है जो कवानीन है उसके अंदर बयान जो है वो नहीं नजर आते बयान किए हुए, तो वो लेकिन बात है वो स्पेशल केसेस के ऊपर, ठीक है, स्पेशल मैटर्स के ऊपर। जी आखिर क्या कह रहे हैं, अच्छा आगे थ्री को छोड़ के बच्चों फोर्थ पॉइंट पे आए, थ्री कट कर दे फोर्थ पॉइंट को स्टार्ट करें। फोर्थ पॉइंट को फेडरल लॉ मे प्रोवाइड दैट द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ स्टेट शैल एक्सटेंड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनी स्पेसिफाइड प्रोविजंस ऑफ फेडरल लॉ and may for that purpose confer powers and impose duties on any authorities of the state। अब वो ये कह रहा है कि फेडरल लॉ जो है वो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी की जो इख्तियारात है उसमें इजाफा कर सकती है, स्पेशली जो एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से स्पेशल प्रोविजंस के तहत फेडरल लॉ जो है वो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को इख्तियारात दे सकता है, उनको पावर्स देता है ताकि वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात है उनके अंदर जो है वो लोगों की उस अपनी अथॉरिटी को इस्तेमाल करते हुए कुछ ड्यूटीज जो है उनको इम्पोज कर सके, यानी कि इनके पास एक्स्ट्रा इख्तियारात आ जाए एडमिनिस्ट्रेशन को सही करने के लिए, या मामलात अगर कुछ कॉम्प्लिकेटेड है उनको ठीक करने के लिए फेडरल स्टेट जो है एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को इख्तियारात देता है कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात के अंदर जो है वो उनको ठीक करे ताकि जो जो भी मसला गड़बड़ है वो प्रॉपर हो सके। देखो बच्चों आप डिस्कनेक्ट क्यों हो रहे हैं, बार बार पांच छह स्टूडेंट रह जाते हैं फिर आ जाते हैं, चार पांच फिर पांच रहती है, चक्कर क्या है, नेट का मसला है या वैसे कोई, अभी तीन चार फिर आ जाते फिर डिस्कनेक्ट हो जाते मेरा तो नेट बिल्कुल स्टेबल है, सारे सिग्नल आ रहे वो अलग बात है, मैं खुद स्टेबल नहीं हूँ, मैं दिमागी तौर पर मेरा जरा सारा आँख बहुत दर्द कर रहा है, तो ये कोई चीज अच्छी नहीं लग रही, लेकिन मेरे नेट तो बिल्कुल ठीक है। आप सर आज फिर थोड़ा पढ़ा लें, अगर आपकी तबीयत नहीं सही है तो आज फिर रेस्ट कर लें आप। नहीं यार रेस्ट क्या करना है सर, बहुत पढ़ लिया ना हमने, मैं कहा फुल इतनी स्पीड में हमारा सिलेबस जा रहा है, जरा थोड़ा भी रेस्ट कर लेना। अच्छा जी सर, इतना तो पता नहीं, हमने किसी और का नहीं ऑनलाइन में पढ़ा होगा जितना आपका पढ़ लिया है। अच्छा एक सेकंड दीजिए, अस्सलाम वालेकुम जी।
हेलो स्टूडेंट्स, आपके स्टावला साहब का सर का फोन आया, वो तो इस वजह से थोड़ा फिर होल्ड लगाया था। मेरे का पता नहीं सर को क्या इमरजेंसी है। सर का ऑर्डर है कि तस्वीर लेके बच्चों की अटेंडेंस सेंड की जाए ताकि रिकॉर्ड भी आ जाए और हम आपके आप लाडले स्टूडेंट है मेरे, तो मैं कहीं ज़्यादा बच्चों की अटेंडेंस ना लगा दूँ एबसेंट बच्चों फिर की। कैसे तस्वीर लेके, हाँ जी, तस्वीर कैसे लेके, मतलब समझे नहीं बात को, तस्वीर कैसे लेके। स्क्रीनशॉट लेके भेजे जो बच्चे अटेंड है लाइक क्लास में मौजूद है उनकी तस्वीर ले, अच्छा अच्छा ताकि जो ये है ये टीचर अपने पास है टेंडेंसी ना बच्चों की लगाते रहे अपने प्यारे बच्चों की। इतने अच्छे टीचर हो ही ना जाए, उन्हें कहा ये थोड़ा यूनिवर्सिटी है कोई नहीं यार, मैं हूँ इतना अच्छा, मैं लगा देता हूँ, आपको क्या पता? नहीं सर आप नहीं लगाते सर, आपको नहीं पता ना बच्चे, आपको नहीं पता, आप लोग का स्पेशल ख्याल रखता हूँ मैं, क्या पता आपको, आपके आपके आपको मैं जो है वो और किसी को दूर हूँ, आपको मैं थोड़ी सी कभी कभी मूड हो तो आपको मैं आपके साथ लीनियंट हो जाता होता हूँ। सर स्क्रीनशॉट्स तो एडिट भी हो जाते हैं आजकल, क्या कुछ नहीं होता। बेटा हमारा ये ऑर्डर है, अभी मेरे को ऑर्डर को सर को पूरा करें, क्योंकि सर जो है वो असल में मसला बेटा ये पंजाब यूनिवर्सिटी को रिकॉर्ड भेजना है ना, इस हवाले से थोड़े से ज़्यादा कॉन्शियस है सारी एडमिनिस्ट्रेशन और सारे टीचर्स भी और एडमिनिस्ट्रेशन भी पंजाब यूनिवर्सिटी सख्ती की कि अगर कल को कहते मे बी इदारे ने अपने पास से बच्चों की अटेंडेंस लगा दी हो, ऑनलाइन क्लासेस ली है नहीं ली अपने पास से, ये अटेंडेंस ये तो मैनुअल लग रही है ना, तो ये रिकॉर्ड भी हमारे पास होना चाहिए कि ये देखिए हमने स्क्रीन शॉट्स दिए कि बच्चे ऑनलाइन अटेंडेंस बच्चों की है, बच्चे ऑनलाइन अटेंड है बच्चों की क्लास, तो इस हवाले से जो थोड़ी सी एडमिनिस्ट्रेशन जो है अच्छा सर जो है वो बात कर रहे थे। बिल्कुल चलिए, अब तो लगा लिया अटेंडेंस, क्लास वैसे ही खत्म होने वाली है। जी बेटा मैं लगाता हूँ ट्रेड साहब। अभी 3-4 बच्चे आउट हो गए हैं, तो उनका क्या करना है, ये नताशा भी चली गई है और वो एक उसामा आया था वो भी चला गया है, एक दो और स्टूडेंट्स थे वो भी ये जो क्या नाम है वो अंजुम वो भी, ये सारे चले गए, तो इनकी फिर तस्वीर में नहीं आएगा। सर और क्लास वो कोई बात नहीं ना है, वो तो अब क्लास एंड तक लेनी चाहिए, बेशक जाना था वो क्लास ऑन छोड़ के चले जाते, जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। कोई बात नहीं। ठीक है जी मैं 1 मिनट अटेंडेंस लगा लूँ बच्चों आपकी।
जी स्टूडेंट्स, आपकी मैंने अटेंडेंस लगा दी है. अच्छा, कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग योर टॉपिक, रिगार्डिंग एनी थिंग. इफ यू वॉन्ट टू आस्क एनी थिंग, आप उसे पूछ लें. और उसके बाद 5 मिनट है, फिर वैसे वाइंड अप हो जाएगी क्लास हमारी. जी डियर स्टूडेंट्स, एनी क्वेश्चन यू वॉन्ट टू आस्क? Regarding your topic, regarding anything, you have 5 minutes to ask any question. Okay. So Sunday और Monday हमारा off होता है, ठीक है. इंशाल्लाह Tuesday को हम अपना continue करेंगे आगे syllabus को. और थोड़ी सी मैं आपको जो है वो एक आधी मे बी इस वीकेंड में असाइनमेंट भी दूंगा पाकिस्तान स्टडीज़ के हवाले से और मे बी पॉलिटिकल साइंस के हवाले से भी. तो उसको भी आपको करना पड़ेगा, या क्विज होगा हमारा या असाइनमेंट होगी. बेटा मेरी गाड़ी दूसरी तरफ लगा दो गैराज में, दूसरी गाड़ी आई उधर. ओके स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़. इंशाल्लाह मंडे को मुलाकात, ट्यूसडे को होती है. अल्लाह हाफिज़.